क्या मजा आ गया भाई, महिंद्रा के बाहर खड़े होके नहीं शर्म नहीं आ रही, पर्पल कलर की गाड़ी देख के पंकज ने इसमें सुसु कर दी है। पंकज पानी में जा रहा, पंकज मुझे देख के कपड़े वापस पहन रहे। तुम पानी में गए, तुम्हारी से सिकुड़ गई थी। Welcome back to another day with another new कीड़ा। Yes, तू भाई ऐसा है, ये रोज ढोंग करता काम करने का। तूने कल से क्या किया, लेके गया था तू मैक? भाई दो वीडियो एडिट कर दी। दो गाइस, तो आज की ऐसी खुशखबरी है कि हम सर्विस कराने जा रहे हैं गाड़ी की। तो भाई मेरे घर में मशीन चल रही है इसलिए तेज बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली द थिंग इज कि हम सरप्राइज देने वाले हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। एकदम क्विक कल प्लान बन गया था हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल में कौन सी जगह जाने वाले, बहुत मजा आने वाला है, वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। सर्विस कराएंगे गाड़ी की और उसके बाद डे बाय मतलब आर बाय आर फिर डे बाय डे दिखाएंगे हम कैसे कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी बवाल के। Guys, what is very essential for life? तो भाई अपन क्या करवाने जा रहे हैं? सर्विस करवाने जा रहे हैं गाड़ी की, क्योंकि पहले मन नहीं था करवाने का, लगा कि वापस आएंगे तो तब करवा लेंगे, लेकिन क्या होता है ना, एवरेज बढ़िया हो जाती है सर्विस करवा के, उसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है, तो समझ रहे हो। और इसका टायर भी फट गया था पीछे वाला, मतलब जो स्टेपनी टायर होता है, खैर वो स्टेपनी नहीं रह गया अब, दैट इज ऑल्सो अनदर टायर फॉर महिंद्रा। तो हम क्या करेंगे, टायर खरीदेंगे, सर्विस कराएंगे और पैकिंग कर लेंगे जल्दी से, और आपको दो लोगों से वाकिफ कराऊंगा मैं जिनके साथ हम जा रहे हैं। मैं की सबसे फनी चीज दिखाऊं? क्या मजा आ गया भाई, महिंद्रा के बाहर खड़े होके नहीं शर्म नहीं आ रही, पर्पल कलर की गाड़ी देख। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी एक नंबर आ रही है। भाई हमने काम कराने निकले थे सुबह सुबह, जैसे कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था, उसके बाद हमने कुछ कराया नहीं, क्योंकि सर्विस वाले पे गए, उसने बोला भाई एक दिन छोड़नी पड़ेगी गाड़ी, मैं बिना सर्विस कराए जा रहा हूँ, मेरे को मनाली में करानी पड़ेगी। एनी हाउ अब मैंने क्या करा, जल्दी से कपड़े पैक करे और हम निकल गए। गाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराया और स्टेपनी वाली टायर, स्टेपनी तो रही नहीं गई है, वो एक्स्ट्रा टायर चेंज कराया, सही हो गई है। सो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं है बट मेरे लिए है, अभी सब सोकर उठे लेकिन मैं सुबह उठ गया था। क्या देख रही है ऐसे? मैं सुबह सुबह गाड़ी देकर आ गया सर्विस के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो हुई नहीं थी सर्विस, तो अभी यहाँ देकर आ गया, या शाम में देंगे जब तक हम यहाँ रेस्ट करेंगे। यार पंकज तुम क्यों आए सुबह सुबह? गाइस ये ना हमारे रूम में आ गया, ऐसे तमीज नहीं है लड़कियों के रूम में आना अच्छा लगता है तुझे? गाइस देख लो, मतलब क्या है, सुंदर लड़कियाँ देखते नहीं है, लड़के बस उनके रूम में आ जाते हैं। पहली बात सुंदर, दूसरी बात लड़की। चिराग चिराग ब्रो, चिराग जइयो ब्रो, चिराग जल्दी जल्दी जाना, ऑर्डर भी दे देंगे भाई, ऑर्डर भी दे देंगे। मैं यहाँ सुबह सर्विस सेंटर पे कार छोड़ के गया था, उसके बाद रूम पे चला गया था मैं रेस्ट करने, अब मैं आ गया हूँ। इनका कॉल आया था कि आ जाओ भाई, कार तुम्हारी सर्विस कर दी। हो गए भाई, बिल्कुल नई चमका दी तुमने, बस फाइनल कपड़ा मरवाना। ठीक है भाई, एक नंबर हो गई, अब ये साए साए आगे बढ़ेगी, कुछ फाइनल हो गया गाइस। हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। भाई ये रही गाड़ी, यही है ना? यही है, चाबी कहाँ है? भाई लेके चले गए। और कितना टाइम लगेगा भाई? बस 10-15 मिनट में आपको रोड टेस्ट करना था, मैं करवा देता हूँ। आ जाओ भाई फिर, आप ड्राइव करो। रोड टेस्ट करके आ गया पासबुक के साथ, मैं जा रहा हूँ बिलिंग के लिए, उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर वहाँ होटल पर जाएंगे, फिर वहाँ गाइस वेट करें, उसके बाद हम निकल जाएंगे साए साए जहाँ हमें पहुँचना है। उधर कोई डोले तू ब्रश कर गई है तो उधर बदबू आ रही है नीचे, सच में आ रही है? सच में यार, मैं पूरा करके आई हूं, उसे चेक करा, देखो आ रही है, थोड़ी सी आ रही है ना, ये सब क्या हो जाए। ये लाइव आके कर रही है और ये दूसरी लड़की रील बना रही है। ओए हां, पहले उल्टी कर ले फिर ब्लॉग बनियो। गाइस मैं गाड़ी गंदी नहीं करी है, फिर भी देखो ताने मार रहे हैं लोग। ये थार ना मुझे दिल्ली में ब्लैक लगती थी और यहाँ के मुझे ग्रीन लग रही है, वाओ। हाँ बोलियो क्या कह रही थी, कैसी लगती है? अभी भी तुझे ब्लैक लग रही है? नहीं, अबे ऐसे क्यों देख रही है, ऐसे तो दिख नहीं रहा। अभी तुम दोनों चक्कर में आए, वरना सोता मैं। अभी मैंने अपना चश्मा पहन लिया, फेवरेट महंगा वाला बड़बड़ी का, लेकिन अंदर से पता है इंसान कैसा हूँ, नीच गलीच बदतमीज टूटा हुआ और क्या कहते हैं बिखरा हुआ, ऐसा कि मेरे अंदर का जग सुना सुना हो गया, ऐसा मेरे दोस्तों का लगता है, लेकिन ऐसा हूँ नहीं मैं, उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। आ जा कार मत लो, ऐसा लग रहा है यार। सो गाइस पंकज जा रहे हैं अभी हवाबाजी दिखाने, तो पंकज दी टार्जेट हवाबाजी दिखाते हुए,
और ये देखो अपनी दोनों की दोनों बाहें फैलाते हुए, इसको लग रहा है इससे लड़की पड़ जाएगी। पंकज को पंकज की मिल नहीं रही है, इसलिए पंकज सैड होकर लेट गया इस इंसान नदी में जिसका नाम मुझे पता नहीं है। ये एक रिवर है जो कि चल रही है, इसकी टांग नहीं है फिर भी चल रही है। तो पता कितनी प्यारी लग रही हूँ, अगर आप मुझे देख लोगे ना आप। वो पंकज वहाँ देखो, ये पंकज उधर है आकाश में रूम में सो रहा है, और ये चारू 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 हाय बोलो। और गाइस चारू हाय बोल रही है, चल अपनी बाहें खोलो। और ये है पंकज। गाइस इसके लिए कोई ऐश्वर्या राय को भेज दो यार, ये कितना हैंडसम लग रहा है। गाइस हमें नीचे लेके आया, मैंने बोला ऊपर कैसे चढ़ेंगे, कह रहा मुझे नहीं पता, बंदी नहीं हो तो मेरी दोस्त है ना, ऊपर तो चढ़ा ही सकते हो। देखो गाइस कह रहा ऊपर भी नहीं चढ़ा सकता, आप मेरे चक्कर में आए हो, तुम दोनों चक्कर में जाके मरना चाहो। ये देखो गाइस झूठ बोल रहा है, पहाड़ों की मैगी एक नंबर होती है। मेरे सारे गाइस तो थक गए हैं, सो रहे हैं, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बाल बिखर गए, फेस ड्राई हो गया, अभी ट्रैक कर रहे हैं चंद्रताल के लिए। मैं कर रहा हूँ, कर नहीं रहे, वो तो पीछे मर गए, मर नहीं गए मतलब पीछे, बहुत पीछे छूट गए, कम चलते हैं ना, देसी बालक नहीं है वो। तो चंद्रताल बाकी पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। हाय रब्बा, सांस फूल रही है। लेकिन मेरा क्या, मैं तो केदारनाथ ट्रैक कर चुका हूँ, तो ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आ जा भगमत, वरना यहाँ से गिरेगी ना सीधा वहाँ जाएगी नीचे, तेरी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा। जहाँ के लिए निकले थे वहां पहुंच गए चंद्रताल। ओए फोटो तो ठीक है, ऐसे घर बना लेना, पत्थर के ऊपर पत्थर रख दे, इससे क्या होगा। नहा कर आ रहा भाई तो इतना ठंडे पानी में, इसमें लाउड नहीं होता ना। एक बार तो मैं भी नहा सकता हूँ, नहीं, नहीं। वही बहुत दूर जाके नंगा होके नहाऊंगा, कोई देखेगा तब तो। भाई तुमने कच्चा कैसे चेंज किया, नंगा ना आया था पूरा नंगा। मैं भी जा रहा हूँ ऐसे नहाने, मैंने आपको देख लिया, नहा के आऊं मैं तो, वो देख लिया था मैंने दूर से। सच्चे? हाँ तभी तो चिल्ला रही थी। गाइस बॉडी देख रहे हो, हेलो डियर जी, पीछे से देखना गाइस, फायदा नहीं जिम जाने का। और भी पंकज भी नहाने जा रहा है, और यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है नहाना। गाइस सच में पंकज इतने ठंडे पानी में नहाने जा रहा है, पंकज पानी में जा रहा है, पंकज मुझे देख के कपड़े वापस पहन रहे हैं। एक मिनट यार ये पागल बेवकूफ, जाना यहाँ से, तू तू पानी में जाएगा, तेरे कपड़े लेके भाग जाऊंगी। कैमरा मत कर, मैं मुक्का मार दूंगा। अच्छा जाना यहाँ से, जा भी गुस्सा मत दिला मेरे को, बहुत ठंडा पानी है यार। तुम पानी में गए, तुम्हारी ऐसे सिकुड़ गई थी। तो क्या चल रहा है, ये छोड़ के चले गए, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि गाड़ी चाबी मेरे पास है। ये लोग मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं इनको छोड़ के आ गया पीछे, लेकिन मैं इनको छोड़ के जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ ना। समझ लो एक छोटा सा घर बनाया और मेरा हेलीपैड भी है वहाँ मेरे घर के ऊपर, मना कर रहे नहीं दे रहे, वहाँ तो हमें सेब मिला नहीं बट अब हम यहाँ आ गए। अच्छा तुम्हें लग रहा है तोड़ते हुए, इन्हें तोड़ूंगा जरूर। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है बहनों। अबे यार एक नंबर, ये बढ़िया फेंक क्यों दिया, बढ़िया तो ये वाला बेकार था। अच्छा ये थोड़ा सा बढ़िया। गाइस हेलो बोलियो, हेलो तो बोलो। हाय गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस पंकज सुसु करने जा रहा है। गाइस ये चप्पल पे सैनिटाइजर डाल रहे, पंकज ने इस पे सुसु कर दी है, इसका तेजाब निकलता है। वाओ गांव की याद आ गई मेरे। गाइस पता नहीं खेतों में गाड़ी रोक के टट्टी करने गए, मुझे गन्ना दिखा मैं तोड़ने आ गया, अब मैं तोड़ के जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। बस इसका मालिक क्या कोई पकड़ना ले का ये गन्ना, अगर किसी ने देख लेना तो गन्ना मेरे अंदर दे देगा।